नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान की सियासत गाहे बगाहे तल्ख होती रहती है। इस वक्त जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लगातार बयान सामने आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने जिस तरीके से बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जल्द ही लावा फूटने वाला है, जाहिर तौर पर इसके बाद से प्रदेश की सियासत अब एक बार फिर से तल्ख होने लगी है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है और खबर यह है कि अब पायलट कैंप के दो पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा की मंत्रिमंडल में वापसी हो सकती है। आपको बता दें कि जब सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत की वर्चस्व की जंग राजस्थान में 35 दिनों तक चली थी, उस दरमियान सचिन पायलट को भी पीसीसी चीफ की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था। इसी के साथ साथ मंत्री रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को भी मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उसके बाद सुलह समिति बनाई गई थी आलाकमान की ओर से। उस सुलह समिति में अजय माकन, केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल जैसे कद्दावर नेता शामिल थे। लिहाजा अब अजय माकन का हाल ही में जब ये दौरा हुआ प्रदेश का, लेकिन अजय माकन उसी दिन वापस दिल्ली लौट गए थे देर रात। इसके पीछे की जो वजह थी वो ये थी, गहलोत मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं मास्टर भंवरलाल मेघवाल, उनका निधन हो गया था, लिहाजा अजय माकन को वापस जाना पड़ा था दिल्ली। लेकिन इस दरमियान अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन की लंबी मंत्रणा हुई थी और खबर है कि अब अजय माकन दिल्ली पहुंचे हैं और अब इस बात पर, मंत्रिमंडल विस्तार पर तेजी से मंथन किया जा रहा है और माना जा रहा है कि नए साल में एक बार फिर से पायलट कैंप को खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह की मंत्रिमंडल में वापसी हो सकती है। आपको बता दें कि जैसे ही रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, उसके कुछ दिनों के बाद नियमतः बंगला भी छोड़ना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना तो रमेश मीणा ने अपना बंगला छोड़ा, ना ही विश्वेंद्र सिंह ने अपना बंगला छोड़ा। लिहाजा ये संकेत है कि कहीं ना कहीं आलाकमान इस बात पर अब तेजी से विचार कर रहा है कि पायलट कैंप के जो नेता हैं उनमें किन किन लोगों को मंत्रिमंडल में वापस लिया जाएगा। लिहाजा ये खबर आ रही है दिल्ली के सूत्रों से कि मंत्रिमंडल पायलट कैंप की यदि बात की जाए तो पायलट कैंप की ओर से मंत्रिमंडल में विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा की वापसी तय है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि दोनों ही पायलट कैंप के मजबूत यानी खासम खास सिपहसालार माने जाते हैं। लिहाजा इनकी वापसी होकर, जैसे ही इनकी मंत्रिमंडल में वापसी होगी, इससे एक मैसेज भी जाएगा कि पायलट कैंप अभी भी मजबूत है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि पायलट कैंप में इन दो नाम के अलावा और कौन चेहरों को शामिल किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो पायलट कैंप के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो कद्दावर नेता हैं। फिर चाहे मुरारी लाल मीणा हो, दीपेंद्र सिंह हो, इसी के साथ हेमा राम हो, तमाम ऐसे नेता हैं, तमाम नेताओं के नाम चल रहे हैं, लेकिन ये दो नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो आलाकमान की ओर से जो सुलह समिति बनाई गई थी वो कहीं ना कहीं इन दिनों थोड़ा सा कम एक्टिव नजर आ रही है। बहरहाल सचिन पायलट बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि सही वक्त का इंतजार करिए, सब कुछ पता चल जाएगा। आपको बता दें कि जो सुलह समिति बनाई गई थी उस सुलह समिति में अहमद पटेल हैं। अहमद पटेल मौजूदा वक्त में मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज करवा रहे हैं। और वहीं बात की जाए केसी वेणुगोपाल की, तो केसी वेणुगोपाल के माता श्री का निधन हो गया है, लिहाजा वो अपने गांव में हैं और वहां पे वो थोड़े वक्त रहेंगे। तो ऐसे वक्त में कांग्रेस पार्टी में जब भी कोई बड़ा फैसला होता है तो बगैर केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल के नहीं होता है। लिहाजा पायलट कैंप के जो नेता हैं उनकी निगाहें इस बात पर टिक गई हैं कि आखिर हालात कब सामान्य होते हैं, कब ये कद्दावर नेता, कब सुलह समिति के जो सदस्य हैं वो कार्य क्षेत्र में वापस लौटते हैं और कब फैसला होगा। बहरहाल खबर है कि मंथन किया गया है अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी अजय माकन के बीच में, और अजय माकन ये संदेश लेके आलाकमान के समक्ष गए हैं और जैसे ही
तमाम परिस्थितियां सामान्य हो जाती हैं वैसे ही ये फैसला हो जाएगा और मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख भी निश्चित हो जाएगी। लिहाजा इस मंत्रिमंडल विस्तार से कहा जा रहा है, राजनीतिक प्रेक्षक ये बात कह रहे हैं कि इस मंत्रिमंडल विस्तार से ये बात तय हो जाएगी कि दबदबा पायलट कैंप का है या फिर गहलोत कैंप का या फिर आला कमान, दोनों के बीच में कैसे शक्ति संतुलन स्थापित करते हैं। नमस्कार।